का है, फरवरी महीने तक ये परिवर्तन यात्रा चलने वाली है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये परिवर्तन यात्रा देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है, राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा है। ये परिवर्तन यात्रा 2024 तक चलने वाली है और 2024 तक हम लोग 6 लाख गांव को कवर करने का प्रयास करने वाले हैं। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं? पिछले 40 साल से वामन मेश्राम जी इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका विचार किसी भी टीवी चैनल पर नहीं आ रहा है। इस भारत के मीडिया ने ये जो जनता का जो विचार है, हमारे मूल निवासी महापुरुषों का विचार जो 6 लाख गांव तक पहुंचना चाहिए, तो भारत की जो ब्राह्मणवादी जो मीडिया है, उस मीडिया ने यह निर्णय लिया है कि वामन मेश्राम जी के विचार हम लोग किसी भी टीवी चैनल पर दिखाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि टीवी चैनल मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों के है, वो हमारे विचार जनता तक पहुंचने देना नहीं चाहता, तो हम खुद ही जनता में जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने 6 लाख गांव में ये परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और 2024 तक 6 लाख गांव में ये परिवर्तन यात्रा हम लोग लेकर जाते हैं। देखते हैं हमें कौन रोकता है। साथियों, पिछले 40 साल से हम लोगों ने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने खड़ा किया। आज संगठन को देशव्यापी संगठन हम लोगों ने बनाया। 31 राज्य में संगठन कार्यरत है, 550 जिला में संगठन कार्यरत है, 5000 तहसील में संगठन कार्यरत है, करीबन 12000 ब्लॉकों में संगठन कार्यरत है और करीबन 1.5 लाख गांव में हमारा संगठन का जाल है और 3.5 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। ये 40 साल की मेहनत में आज ये देशव्यापी संगठन हम लोगों ने खड़ा किया। ये क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन है। करीबन भारत में 6743 जातियों को जोड़ने का ये संगठन हम लोगों ने खड़ा किया। ये एक जिला का संगठन नहीं है, तो ये देशव्यापी संगठन है। ये जाल 40 साल में हम लोगों ने खड़ा किया। जब तक हम लोग कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में जब तक हम लोग काम करते थे तो दुश्मनों को तकलीफ नहीं थी। अब दुश्मनों को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हम लोग मास बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने जा रहे हैं, अभी हम लोग जनता का संगठन खड़ा करने जा रहे हैं, 6 लाख गांव में जनता का संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। अभी दुश्मन को तकलीफ हो रही है, कल तक हम कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में थे। कर्मचारी विद्रोह नहीं कर सकता, कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता, कर्मचारी को सिविल कंडक्ट रूल लागू है। हम कर्मचारियों में थे, बुद्धिजीवी लोगों में थे, तो उनको तकलीफ नहीं थी। अभी जब मास बेस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है, जनता का संगठन खड़ा हो रहा है इस देश में एक तीसरा विकल्प हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं, अभी उनको तकलीफ हो रही है। ये बहुजन क्रांति मोर्चा की जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा जनता का संगठन खड़ा करने की परिवर्तन यात्रा है। इस पर अभी हम लोग काम करेंगे और ये करने के लिए हम लोगों ने निर्णय दिया कि 6 महीना परिवर्तन यात्रा चलेगी और 6 महीना आंदोलन चलेगा, यानी 6 महीना प्रबोधन और 6 महीना आंदोलन। इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, इस प्रस्पेक्टिव के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम हम लोग 2024 तक चलने वाले हैं। अभी 20 राज्य में परिवर्तन यात्रा चली है, 20 लोगों की हम लोगों ने जिम्मेदारी लगाई। अभी फरवरी महीने के बाद में 500 जिला की परिवर्तन यात्रा चलेगी, ऑल इंडिया से करीबन 100 लोगों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। एक व्यक्ति 5 जिलों की परिवर्तन यात्रा करेगा तो 100 लोग 500 जिला की परिवर्तन यात्रा करेंगे। फिर उसके बाद में 5000 तहसील पर ये परिवर्तन यात्रा निकलेगी बहुजन क्रांति मोर्चा की।
करीबन 1000 लोगों की हम लोग जिम्मेदारी लगा रहे हैं। एक व्यक्ति पांच जिला की परिवर्तन यात्रा निकालेगा तो 1000 लोग 5000 तहसील की परिवर्तन यात्रा पूरी करेंगे। उसके बाद में करीबन 50000 ब्लॉकों की परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है और करीबन 5000 लोग इस काम पर लगेंगे 50000 ब्लॉक की परिवर्तन यात्रा पूरी करने के लिए। इस प्रकार से 2024 तक हम लोग छेला गांव को कवर करने वाले हैं और छेला गांव में ये मैसेज हम लोग जनता तक पहुंचाने वाले हैं। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली वो बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। साथियों, इस मूल निवासी बहुजन समाज में इन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने 6743 जातियों का निर्माण किया। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं है, हम जातियों में बांटे हुए लोग हैं। 6743 जातियों में हमको बांटा गया। ब्राह्मणवादी लोगों के दो षड्यंत्र है जो हजारों सालों से चलाता आ रहे हैं। उनके दो षड्यंत्र है जो हजारों सालों से वो लोग चलाते आ रहे हैं। पहला षड्यंत्र विभाजन और दूसरा ज्ञानता। ये दो ही षड्यंत्र पूरे देश भर में 5000 साल से वो लोग चला रहे हैं और इसी को उन्होंने नाम दिया ब्रह्मास्त्र। बहुत खास बात समझा रहा, दो षड्यंत्र, एक विभाजन, एक अज्ञानता। विभाजन की वजह से क्या हुआ तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है विभाजन की वजह से। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था में किया, हमको शूद्र अति शूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था में किया, हमको 6743 जातियों में बांट दिया। तीसरा विभाजन ऊंच नीचता, चौथा विभाजन अछूत, जो आपको बताया जा रहा है। ये विभाजन उनका षड्यंत्र है, पूरे देश भर में 5000 साल से चला रहे हैं। चौथा विभाजन, महिलाओं को गुलाम बनाया, स्त्री दासता का निर्माण किया। पांचवा विभाजन, आदिवासियों का अलगीकरण किया, आदिवासियों को जल जंगल के एरिया में भेजा गया हजारों सालों से। विभाजन उनका षड्यंत्र है, इस विभाजन की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे और अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र हम लोग समझ नहीं पा रहे। कितने लोग जानते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को क्यों प्रभाव शून्य किया गया? कितने लोग जानते हैं कि संविधान को क्यों जलाया गया? कितने लोग जानते हैं कि 90 में LPG लाया? कितने लोग जानते हैं कि 2005 में सेज आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, 2010 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, 2012 में FDI आया, 2013 में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का ड्राफ्ट बनाया, 2014 में BJP ने भूमि अधिग्रहण लागू किया, 2015 में मोहन भागवत ने कहा आरक्षण समाप्त होना चाहिए और संविधान को बदलने की ताकत संविधान में है, 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया और 2017 में ट्रिपल तलाक का मामला सामने लाया और 2018 में आरक्षण समाप्त होना चाहिए और एट्रोसिटी एक्ट को प्रभाव शून्य कर दिया। कितने लोग जानते? अज्ञानता। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, जागरूक होना अलग बात है। पढ़ना लिखना का मतलब है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब है हम शिक्षित है, जागरूक नहीं है क्योंकि हमें अकेडेमिक एजुकेशन मिला। हम शिक्षित है, जागरूक नहीं है। जागरूकी का पहला सिद्धांत है टू आइडेंटिफाई और एनिमी, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, वो व्यक्ति जागरूक है। जिसको उसके इतिहास के बारे में मालूम है वो व्यक्ति जागरूक है, जिसको उसके ताकत के बारे में मालूम है वो व्यक्ति जागरूक है, जिसको दुश्मन के ताकत के बारे में मालूम है वो व्यक्ति जागरूक है। दुश्मन के ताकत के बारे में हमको अंदाजा नहीं होगा और हम टकराव करने का काम करेंगे तो ये तो पत्थर को सर मारने वाला कार्यक्रम। साथियों, अज्ञानता इस प्रकार से फैलाई है कि उनके षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहे। जो लोग वो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये दो उनके हथियार हैं जो हजारों सालों से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विभाजन का और दूसरा अज्ञानता का। ये दो हथियार की वजह से हम लोग दीर्घजीवी गुलाम बन चुके हैं। साथियों, 6743 जातियों में उन्होंने हमको बांटा,
ये बहुजन क्रांति मोर्चा के परिवर्तन यात्रा के दौरान हम लोग 6743 जातियों के टुकड़ों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर इनमें भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं। ये पहला इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि जिन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, पहले उनमें भाईचारा निर्माण करना ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, भारत में करीबन 7,20,000 गांव है, हर गांव में एक संतन है, ऐसे लाखों संतन हमारे समाज में निर्माण हुए, कुछ हमारे लोगों ने निर्माण किए और कुछ दुश्मनों ने हमारे समाज में संतन निर्माण किए। लाखों संतन होने की वजह से क्या हुआ, समाज का समय डिवाइड हो रहा है, समाज की बुद्धि डिवाइड हो रही, समाज का पैसा डिवाइड हो रहा है। इन लाखों संगठन की वजह से समाज का समय बुद्धि पैसा डिवाइड हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा के दौरान उन लाखों संगठनों को हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं और एक मंच पर लाना चाहते हैं, और एक मंच पर लाने के लिए हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का मंच बनाया। जैसे मैं प्रेम कुमार गिरा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं, मैं इस परिवर्तन यात्रा में, ये मेरी चौथी परिवर्तन यात्रा है, पहली परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र में 42 दिन की, दूसरी परिवर्तन यात्रा बिहार में 30 दिन की, तीसरी परिवर्तन यात्रा गुजरात में 33 दिन की, अभी 24 तारीख से देहरादून से ये परिवर्तन यात्रा आपके उत्तराखंड में चल रही है। ये मेरी चौथी परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस परिवर्तन यात्रा में साथियों हम लोग लाखों संगठनों को इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा का मुख्य बिंदु है कि आज वर्तमान में देश की हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र एक जाति के नियंत्रण में चला गया, बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र में द्विदलीय जनतंत्र दिया। द्विदलीय जनतंत्र का मतलब होता है एक सत्ता में होगा एक विरोध में होगा, अगर सत्ताधारी गलत निर्णय ले रहा है तो विरोध वाला उसको विरोध करेगा, ये द्विदलीय जनतंत्र बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे द्विदलीय जनतंत्र को लेकर, एक अगर सत्ता में अग्रे है तो विरोध में पिछड़े होने चाहिए, ये सोच बाबा साहब अंबेडकर की थी द्विदलीय जनतंत्र को लेकर। लेकिन आज वर्तमान में ये द्विदलीय जनतंत्र तथाकथित आजादी के 71 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नियंत्रण में चला गया, 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 17 साल बीजेपी ने राज किया। कोई पार्टी भारत के ऊपर राज कर रही है और दोनों ही पार्टियां स्वर्णों की पार्टियां है, यानी एक जाति के नियंत्रण में लोकतंत्र चला गया है। भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, भारत में ब्राह्मण तंत्र प्रस्तापित हो चुका है आंकड़ों के साथ में। लोकतंत्र के चार पिलर, विधेयपालिका, 2009 में 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणवादी पार्टियों के थे, 2014 में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणवादी पार्टी के हैं आउट ऑफ 543। विधेयपालिका उनके नियंत्रण में 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां कांग्रेस बीजेपी सीपीआई सीपीएम तृणमूल कांग्रेस। विधेयपालिका महत्वपूर्ण पिल्लर, विकास एवं कल्याण के बिल पारित होते जनता के वो पिल्लर उन लोगों के नियंत्रण में चला गया। दूसरा, कार्यपालिका जहां पे 72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मण तथा तस्यम उच्च जाति के। भारत में 745 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण तथा तस्यम उच्च जाति के। तीसरा पिलर न्यायपालिका, न्यायपालिका में 98% सुप्रीम कोर्ट के जज ब्राह्मण, 36 में से 33 जज ब्राह्मण। हाई कोर्ट में 600 जजेस होते हैं ऑल इंडिया में, उनमें से 582 जज एक जात ब्राह्मणों के, 18 जज एससी ओबीसी माइनॉरिटी, और भारत के इतिहास में हाई कोर्ट का अभी तक आदिवासी का जज नहीं बना। चौथा पिलर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे टीवी चैनल ब्राह्मण बनियों के, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर ब्राह्मण बनियों के, ट्रेडिशनल मीडिया में
जितने भी महाराज भारत में घूम रहे हैं छेला गांव में, हमारे लोगों का सॉफ्टवेयर बिगाड़ते रहते हैं, जिनको आप महाराज कहते हो वो महाराज नहीं है, वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कांग्रेस बीजेपी के प्रचारक है, छेला गांव में घूमते रहते। वोकल मीडिया में जैसे मैं बॉम्ब सेफ का पूर्णकालीन प्रचारक हूँ, पिछले 12 साल से समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ, उस प्रकार से आरएसएस के लाखों प्रचारक है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर वकील इंजीनियर है, आईआईटी आईएमएम के स्टूडेंट है, इतना ही नहीं तो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिए हुए छात्र है ब्राह्मणों के, लाखों प्रचारक है, पैंट और शर्ट पहनकर गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। ये आपको जो मैंने आंकड़ेबारी बताई, चार पिलर, विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम, ये चारों भी पिलर एक जाति के नियंत्रण में चला गया। इस आंकड़ों के साथ सिद्ध होता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में ब्राह्मण तंत्र अभी प्रस्तावित हो चुका है और लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र खतरे में। बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र की डेफिनेशन बताई कि द्विदलीय जनतंत्र होगा, एक सत्ता में एक विरोध में, सत्ता में अगर अगड़े है तो विरोध में पिछड़े होने चाहिए। लेकिन साथियों 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया, एक तो कांग्रेस जाती है या बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, इसलिए माननीय काशीराम जी साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, सांपनाथ जाता है नागनाथ आता है, नागनाथ जाता है सांपनाथ आता है, जो भी आ रहा है 71 साल में बहुजन समाज को डसने का काम कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है। द्विदलीय जनतंत्र कांग्रेस बीजेपी के नियंत्रण में, जिनको आप अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए, मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार लालू जी रामविलास, सीताराम जी बिहार तक सीमित, शुभु सोरेन अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, प्रकाश आंबेडकर रामदास अठावले शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, कुछ कांग्रेस से बंधे हुए कुछ बीजेपी से बंधे हुए, कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन निकाला, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन निकाला, यूपीए में 33 घटक दल है और एनडीए में 34 घटक दल है, जिनको आप अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए, कुछ कांग्रेस और बीजेपी से बंधे हुए। उसके आगे जाकर हमारे नेता जाति के नेता बन गए, मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, सीताराम जी मांझी का नेता, रामविलास पासवान का नेता, शुभु सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, रामदास अठावले महारों का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, अटल बिहारी देश का नेता था, अडवाणी देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, बहन जी चमारों की नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, संख्या 3.5% देश का नेता, हम बहुसंख्य लोग जाति के नेता। समस्या एक जाति की नहीं, समस्या 6743 जाति की है, समस्या एक जिला की नहीं, समस्या पूरे भारत व्यापी है, आपका संगठन भी देशव्यापी होना चाहिए और आपका नेता भी देशव्यापी होना चाहिए, तब ना समस्या का समाधान होगा। ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है और इस लोकतंत्र के ऊपर एक अधिकार एक जाति का निर्माण होने की वजह से आज संविधान खतरे में चला गया। 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान जलाया गया, भारत में कोई प्रतिक्रिया हुई? संविधान जलाया गया कोई प्रतिक्रिया हुई? अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की उंगली टूटती तो है 10-15 लोग मरते नहीं हमारे है? उसी बाबा साहब ने संविधान निर्माण किया, संविधान की वजह से हक अधिकार मिले। संविधान जलाया गया कोई प्रतिक्रिया हुई भारत में? किसी ने प्रतिक्रिया की? इसका मतलब बाबा साहब जो नहीं चाहते थे वो समाज पैदा हुआ, बाबा साहब अनुयायी चाहते थे लेकिन समाज में भक्त पैदा हुए, पुतला टूट गया, आंदोलन संविधान जलाया गया, सब चुप है। जो समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था संविधान ने उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया, दिलाया नहीं। जिस समाज को झाड़ू मारने के लिए लोग नौकर नहीं रखा करते थे
उस समाज में सांसद और विधायक संविधान ने पैदा किए, आर्टिकल 330 332। जिस समाज को स्कूल के बाहर रखा जाता था उस समाज में संविधान ने कलेक्टर पैदा किए, आर्टिकल 21 335। शिक्षा का अधिकार मिला, कलेक्टर पैदा हुआ। जिस समाज को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था संविधान ने लाल बत्ती के गाड़ी में बिठाया नहीं, आगे मटका था टाई लटकती है संविधान की वजह से, पीछे झाड़ू था कमर में बंदूक आ गई, आई है नहीं, हमारे पीआई होते हैं डीवाईएसपी होते हैं बंदूक होती है ना, हाँ किसी चमार को बंदूक रखने का अधिकार था क्या संविधान के पहले? हाँ महाराष्ट्र के मारो को था क्या? पीआई बन गया 15-4, 16-4 रिजर्वेशन की बदौलत कमर में बंदूक आ गई, पीछे झाड़ू था कमर में बंदूक आ गई संविधान की वजह से। संविधान में इतने अधिकार हम लोगों को, मौलिक अधिकार संविधान की वजह से हम लोगों को मिले, वही संविधान आपका जलाया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर समाज में अनुयायी चाहते थे लेकिन भक्त पैदा हुए, भक्तों का काम है भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना, अनुयायियों का काम है महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करना। आज संविधान खतरे में चला गया, आप लोगों की टेस्ट ली ब्राह्मणों ने कि आप कितने जागरूक, आप लोगों की टेस्ट ली कि आप भक्त हो या अनुयायी हो, उस टेस्ट में हम लोग फेल हो गए। साथियों ये परिवर्तन यात्रा संविधान को बचाने वाली परिवर्तन यात्रा है। एक मौलिक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं और मेरे वाणी को समाप्त करना चाहता हूं, आगे का हमारा शेड्यूल है, फिर कभी मुझे इस गांव में प्रशिक्षण शिविर या प्रबोधन कार्यक्रम के लिए आने का मौका जरूर मिलेगा, तब हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। मैं एक बात आप लोगों को खास बताना चाहता हूं कि वो लोग संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था या नहीं? रानी के पेट से राजा पैदा होता था, दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ उस रानी की नसबंदी करने के लिए, भारत में वो डॉक्टर पैदा हुआ और उस रानी की नसबंदी कर दी और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा प्रजा से पैदा होगा। इतना मौलिक अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रजा को दिया और वो अधिकार है वोट का अधिकार, आर्टिकल 330-332। वोट का अधिकार, ये राजा बनने का अधिकार है, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, ये अधिकार है, वोट का अधिकार है। वन मैन वन वोट का मतलब होता है रानी को जो अधिकार होगा वही अधिकार नौकरानी को होगा। वन वोट वन वैल्यू का क्या मतलब होता है? अंबानी के अधिकार की जितनी ताकत और कीमत होगी उतनी ही मजदूर के वोट की ताकत और कीमत होगी, ये है वन वोट वन वैल्यू। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी वोटिंग मशीन के ऊपर चुनाव नहीं होता, सिर्फ भारत में वोटिंग मशीन के ऊपर चुनाव होता। आज आपको वन मैन वन वोट है, वोट का अधिकार है, लेकिन मशीन ने वन वोट वन वैल्यू आपका खत्म कर दिया। वन मैन वन वोट का अधिकार है, घर से चलकर बूथ तक जाने का अधिकार है, बटन दबाने का है, वो है वन मैन वन वोट। लेकिन जो राजा बनने का पावर था वो आपका मशीन ने खत्म कर दिया। अब राजा प्रजा निर्धारित नहीं कर रही है, राजा मशीन निर्धारित कर रही है। जो राजा बनने का अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया, काशीराम जी ने नारा लगाया वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ब्राह्मणों ने सोचा बात तो सही है, वोट इनके ज्यादा है, राज ब्राह्मणों का कैसे चलेगा, उनकी संख्या तो 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण, ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश का हुक्मरान कैसे बन सकता है, उसकी संख्या 3.5% है। उन्होंने सोचा बात तो सही है, वोट इनका और राज ब्राह्मणों का नहीं चलेगा, इसलिए ब्राह्मणों का राज दीर्घ काल तक चलना चाहिए। इसीलिए दुनिया में कहीं पर वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, भारत में वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और जो राजा बनने और चुनने का अधिकार आपका मशीन के द्वारा प्रभाव शून्य कर दिया है, ये गड़बड़ी वाली मशीन है, ये गड़बड़ी वाली मशीन है। 2004 में और 2009 में कांग्रेस ने गड़बड़ी की, 2014 में बीजेपी ने गड़बड़ी की,
फिर से बीजेपी 2019 में गड़बड़ी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने दो बार गड़बड़ी की, अब बीजेपी दो बार गड़बड़ी करना चाहता है। ये कांग्रेस और बीजेपी का एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है। 2004 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने गड़बड़ी की, फिर से 2009 में लोकसभा का चुनाव फिर से कांग्रेस ने गड़बड़ी की। अब कांग्रेस का बीजेपी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हमने दो बार गड़बड़ी की, आप भी दो बार कीजिए। कांग्रेस ने जब गड़बड़ी की बीजेपी चुप थी, अब बीजेपी गड़बड़ी कर रही है कांग्रेस चुप है। ये गड़बड़ी वाली मशीन है साथियों, इस मशीन की वजह से आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में चला गया, हमारे वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य कर दिया। वो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ने राजा बनने का और चुनने का अधिकार जनता को दिया, और यही अधिकार वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हम 85% लोग हैं। वो लोग जानते हैं कि एक दिन अगर 85% लोग अगर इकट्ठा आ जाए तो क्या होगा, जानते हो? आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, 85% लोग अगर इकट्ठा आ जाए और एक साथ पेशाब करे ना, तो 3.5% बह जाएंगे, इतना फ्लड आएगा भारत। वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो साथियों इस देश में विभाजन कर रहे हैं और हम लोगों को वो ये कर रहे हैं। मैं आखिरी और एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज भारत में शेड्यूल कास्ट 15% है, शासन प्रशासन में सिर्फ 11.9%। आज भारत में शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, लेकिन शासन प्रशासन में सिर्फ 4.3%। आज भारत में ओबीसी 52% है, लेकिन शासन प्रशासन में सिर्फ 5.2%। भारत में मुसलमान 15% है, लेकिन शासन प्रशासन में सिर्फ 1.5%। हम 85% लोग हैं और शासन प्रशासन में सिर्फ 21% है। 71 साल हुए आजादी। भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण, शासन प्रशासन में 79% उन्होंने रिजर्वेशन लेकर रखा है। ब्राह्मणों के विरोध में कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति विद्रोह नहीं करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसलिए SC ST OBC को कहते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। क्या कहते हैं? मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। मैं गांव गांव जाकर सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक उदाहरण बताओ, मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? एक सवाल बताओ, क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने ऊंच नीचता बनाई? क्या मुसलमानों ने अछूत बनाया? क्या मुसलमानों ने स्त्री दास्ता लाई? क्या मुसलमानों ने आदिवासियों का अलगीकरण किया? क्या मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध किया? क्या मुसलमानों ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद किया? क्या मुसलमानों ने संविधान को जलाया? क्या मुसलमानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर पिलाया? क्या मुसलमानों ने तुकाराम महाराज की हत्या की? क्या मुसलमानों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की? क्या मुसलमानों ने ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इसलिए कोई उपवास किया, धरना प्रदर्शन किया? इन सारे सवालों के जवाब है नहीं। तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे दुश्मन? ब्राह्मणों के विरोध में SC ST OBC इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो एंगेज करने के लिए हमें बताते हैं मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। मैं मुस्लिम भाइयों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई है साथियों, मोहम्मद साहब के इंतकाल के वक्त मोहम्मद साहब ने 5 चीजें बताई थी। मोहम्मद साहब का आंदोलन और बाबा साहब का आंदोलन कई अलग आंदोलन नहीं है, 5 चीजें बताई थी। उसमें पहली चीज थी इंतकाल के वक्त के 5 चीजें, पहली चीज थी मुस्लिम भाइयों के लिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि मुसलमानों के किसी भी तंजीम में, तंजीम का मतलब संगठन, किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना, और यहूदी का DNA और भारत के ब्राह्मणों का DNA एक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 दिसंबर 1956 में कहा ब्राह्मणों को संगठन में मत लेना। मोहम्मद साहब कह रहे हैं यहूदी को मत लेना, और 4 दिसंबर 1956 में बाबा साहब कह रहे हैं ब्राह्मणों को मत लेना। दूसरी बात मोहम्मद साहब ने कही इकरा करो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, इकरा का मतलब होता है पढ़ाई, जानकारी लो, ज्ञान हासिल करो। मोहम्मद साहब ने तीसरी बात कही जिहाद करो, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। कोई दूसरा आंदोलन था क्या? जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। मोहम्मद साहब ने चौथी बात बताई
मसावाद प्रस्तावित करो, बाबा साहब ने कहा समता प्रस्तावित करो, और 16 अक्टूबर 1860 में अंग्रेजों ने इक्वेलिटी डी फॉर लॉ लाया। आखिरी बात मोहम्मद साहब ने कही, मजलूमों का साथ दो, जालिमों का साथ मत दो, और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में मजलूमों का आंदोलन खड़ा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में संविधान में मजलूमों के लिए अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। मोहम्मद पैगंबर साहब का आंदोलन और बाबा साहब का आंदोलन कोई दूसरा नहीं है। अगर अल्लाह के ऊपर अगर मुस्लिम भाइयों का विश्वास है तो अल्लाह हर कठिन परिस्थिति में, हर दुखित परिस्थिति में फरिश्ते दुनिया में भेजते हैं। ये तो विश्वास है मुस्लिम भाइयों का। आज वर्तमान में अगर भारत में कोई फरिश्ता है तो वो वर्तमान में वामन मेश्राम है। जल्द से जल्द हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए, और मजलूमों का जो आंदोलन इस देश में खड़ा हो चुका है, इस आंदोलन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रभावित होने चाहिए। आखिरी मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वोटिंग मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, ये गड़बड़ी वाली मोटी वोटिंग मशीन है। जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल किया जाता है, तो आपकी मशीन कोई बड़ी चीज नहीं है। जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल करते हैं, जमीन पर बैठकर वोटिंग मशीन कोई बड़ी चीज है क्या? जब नोटबंदी हुई थी 500,000 की, तब भारत में 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर 2,17,000 एटीएम मशीन अगर सेट हो सकते हैं तो वोटिंग मशीन कोई बड़ी चीज है? पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है तो आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल से अगर कोई प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में देना है, छापिया है, जेंडर है, शेरिट है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है, पता नहीं चलता। वोट ट्रांसफर होगा आपको पता चलता है क्या? अगर किसी का नंबर मैंने कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा कर रखा, कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा कॉल उसी को जाए, कॉल मुझे रहा है लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा कॉल उसी को जाएगा। दो बार करोगे दो बार जाएगा, 10 बार करोगे 10 बार जाएगा। अगर कॉल फॉरवर्ड हो सकता है तो क्या वोट फॉरवर्ड नहीं हो सकता? ये वोटिंग मशीन खतरे वाली मशीन है। इसलिए साथियों 2019 का चुनाव हम चुनाव आयोग को कह रहे हैं, बैलेट पेपर पर चुनाव कीजिए। अगर 2019 का चुनाव अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करता है तो हम 15 लाख बूथों पर वोटिंग मशीन तोड़ने का प्लान हम लोगों ने बना लिया। हम 15 लाख बूथों पर वोटिंग मशीन तोड़ने वाले हैं। साथियों ये लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज मशीन की वजह से संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली हुई है। बहुजन क्रांति मोर्चा ये संगठन नहीं मंच है, और साथियों लाखों संगठनाओं को एक मंच पर लाने के लिए ये मंच बनाया गया। मैं आप लोगों को आखिरी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग संगठनाओं से जुड़े होंगे, मैं उन लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप संगठन कब चलाओगे? संगठन चलाने का अधिकार आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है संगठन बनाने का अधिकार, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार, जागृति करने का अधिकार, ये माइक पर बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, ये अधिकार लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए संविधान खत्म हो जाए तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, अगर आर्टिकल 19 खत्म हो जाए तो संगठन कहां से चलाओगे, कहां से चलाओगे संगठन? इसलिए आपके और हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन संविधान खतरे में है, ये हम सब लोगों की समस्या है। संविधान खतरे में है, ये हम सब लोगों की समस्या है। इसलिए आप अपना डंडा और झंडा, आप अपना डंडा और झंडा और एजेंडा बरकरार रखना है, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी अपना डंडा झंडा एजेंडा बरकरार रखेंगे, हम भी छोड़ने वाले नहीं है। आप भी मत छोड़िए, हम भी नहीं छोड़ रहे, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम जो संविधान खतरे में है, ये हमारी कॉमन समस्या है, इसको बचाने के लिए आप भी अपना डंडा झंडा एजेंडा लेकर आइए, हम भी अपना डंडा झंडा एजेंडा लेकर
एक मंच के ऊपर आते हैं, अगर एक मंच के ऊपर लाखों संगठन आते हैं तो हम लोग एक ताकत बन जाएंगे और इस देश में एक तीसरा विकल्प खड़ा हो जाएगा और हम लोग संविधान को साथियों बचा सकते हैं। और संविधान को बचने का मतलब है हमारे मौलिक अधिकार को बचाना, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाना, हमारे संविधानिक अधिकार को बचाना। आज परिस्थिति इतनी गंभीर है कि आज आने वाला जो काल है बहुत विकट परिस्थिति में जाने वाला है और ऐसे परिस्थिति में आने वाली पीढ़ी जो है वो दीर्घ काल तक गुलामी में जाने वाली है। क्या आपको लगता है ये गुलामी खत्म होनी चाहिए? क्या आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? आपको लगता है? आप लोग आवाज नहीं आ रहा है आपका? होना चाहिए, होना चाहिए। आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए तो फिर पसीना भी अपना होना चाहिए और पैसा भी अपना होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से पैसे लोगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप ब्राह्मणवादी बनियों से पैसे लोगे तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप सरकार से पैसे लेंगे जैसे एनजीओ वाले लेते हैं तो आप सरकार की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसे लेते हैं तो आपको उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बोली बाबा साहब की चलनी चाहिए, आपको लगता है कि बोली जनता की चलनी चाहिए, आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन यात्रा का रथ है 6 लाख गांव तक पहुंचना चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने कमाई का, मेहनत का 50, 100, 200, 500, 1000 जितना भी आप इस परिवर्तन यात्रा में देना चाहते हैं उन लोगों को मैं अपील करता हूं कि वो मंच पर आकर आप अपने हिस्सा